नमस्कार प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में हमने जो है सेंटेंस के काइंड और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जाना था। इस वीडियो में हम जो है एंटोनियम्स यानी कि विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड भी जिन्हें कहते हैं, उनको जानेंगे। तो जैसा कि आप इस कॉपी पे देख पा रहे होंगे अपने सामने, हैप्पी का सैड, इस साइड मैंने वर्ड लिखे हैं, इस साइड अपोजिट वर्ड लिखे हैं। हैप्पी का सैड यानी कि खुश का दुख, गुड का बैड, अच्छे का बुरा, अर्ली का लेट यानी कि जल्दी का देर, कम गो, आना का जाना, गिव टेक यानी गिव कर लेना, टेक मैंने देना, टिमिड बोल्ड, कायर और साहसी। ठीक है, फिर आया क्लियर का डर्टी यानी साफ का गंदा, वाइस फुलिस यानी कि बुद्धिमान मूड, लव का हेट, प्रेम का घृणा, हार्ड का सॉफ्ट यानी कि कठोर का मुलायम, बाय का सेल, बाय मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। ठीक है, उसके बाद कुछ और हैं इसमें, उनको भी देख लेते हैं। कोल्ड का हॉट यानी कि ठंडे का गर्म, डेड का अलाइव यानी कि आपका मृत का जीवित, ऑड का एवन यानी विषम का सम, फाइन का रफ, फाइन कह सकते हैं हम, अच्छा का घटिया, गेस्ट का होस्ट, मेहमान का मेजबान, हाई का लो, ठीक है, ऊंचा का नीचा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मतलब आयात एक्सपोर्ट निर्यात, प्रॉफिट का लॉस यानी कि लाभ और हानि, विक्ट्री का डिफीट, जीत हार, ठीक है, फ्रेश ताज़ा, स्टेल वासी, शार्प तेज और ब्लंट मंद, ठीक है, पोलाइट का विनम्र, र्यूड का असिस्ट, पनिशमेंट सजा, रिवार्ड का हो गया पुरस्कार, ठीक है, अर्बन शहरी का अपोजिट रूरल, रूरल मीन्स ग्रामीण, फुल मतलब भरा हुआ का अपोजिट एम्प्टी यानी कि खाली, जूनियर, ठीक है, मतलब छोटा का अपोजिट सीनियर, ठीक है, यानी कि बड़ा, बर्थ का जन्म, का अपोजिट डेथ मृत्यु, अबव का ऊपर, का अपोजिट बिलो नीचे, मैक्सिमम अधिकतम का अपोजिट मिनिमम यानी कि न्यूनतम, प्राउड का घमंड का जो प्राउड का अपोजिट हम्बल यानी कि विनम्र, ट्रेजेडी मतलब दुखद का अपोजिट कॉमेडी, सुखद, इनोसेंट मतलब निर्दोष का अपोजिट गिल्टी यानी कि दोषी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इनको अपनी कॉपी पे, इंग्लिश ग्रामर की कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है।